नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले जम्मू से शुरुआत करेंगे क्योंकि मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि जम्मू में जो मौसम है वो किस तरीके से करवट ले रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की वजह से। मौसम ने जो करवट ली है क्योंकि जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि जम्मू में जो मौसम है वो 18 और 19 को खराब हो सकता है और इसी के तहत देखने को मिल रहा है कि जम्मू में दिन की सर्दी से राहत है और रातों में जो लोग हैं वो ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। और कल से मौसम के मिजाज को सुधार आने का जो अनुमान है वो भी लगाया जा रहा है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैदानी इलाकों में जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी तापमान में एकदम गिरावट आ गई है और दिन में जहां पर सर्दी से थोड़ी सी राहत मिलती है वहीं पर रातों को जो मौसम है वो एकदम से करवट बदलता है और लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देता है। और अब अगर हम जम्मू के मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो जम्मू के मैदानी इलाकों में जिस तरीके से धुंध देखने को मिली और सुबह हल्की बारिश भी हुई उसके बाद से देखने को मिल रहा है कि जो सर्दी है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और लोग जो सड़कों के किनारे आग सेकते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ठंड की वजह से जो लोग हैं खासकर वो लोग जो कि बाहर सड़कों पर रहते हैं उनके लिए काफी मुश्किल रहती है। लेकिन वहीं पर क्या कुछ कहना है अन्य लोगों का, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। बड़ी होआ दी है इहदे वास्ते मैदानी इलाके जिहड़ी है इत्थे भी ठंड बड़ी होई उहदी वजह कन्नै ते इहदे वास्ते आने वाला अगे शनि आतवार जिहड़ी उह भी बारिश होर दसदी है ते बारिश भी होनी है। इहदे वास्ते अपना बचाव जिहड़ा बच्चिआं दा भी करना चाहीदा और अपना भी करना। इहदे वास्ते हर चीज़ का जिहड़ा माल मवेशी का भी होना चाहीदा और जो भी अपने सामने आना जाना चाहीदा बारिश च भी क्योंकि अपना बड़ा ध्यान रखना पड़ता। देखो जी लोग अपने स्वैटर वगैरह दस्ताने वगैरह और टोपी वगैरह पाइए रखी दी है और अग वगैरह सेका देन और अपना पूरा ध्यान अपने सेहत का रखा देन। इहदे वास्ते अग्गे वास्ते भी रखना क्योंकि कभी भी बारिश या ठंड च कभी लापरवाही नहीं बरतनी। देखिए मेरा मानना है कि आज लोगों को एक चीज का फुल ध्यान रखें, भाई अपनी सेहत के ऊपर पूरा ध्यान रखें। ठंड जो है ये अभी इस टाइम जो दौर चल रहा है, एक तो कोरोना का दौर है, दूसरा अगर कोई इन्फेक्शन थोड़ी सी होती है तो हॉस्पिटल होने में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे लोग डर डर के जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि घर में ही थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और सेहत का फुल और खाने पीने का गर्म चीज़ें खाएँ और दूसरा गर्म कपड़ों के ध्यान दें और आने वाले दिनों में हो सकता है 2-3 दिन बारिश दिखाई दे रही है, हो सकता हो, लेकिन वो ऊपर वाले के हाथ में क्या होना क्या नहीं, लेकिन जो बता रहे हैं कि हो सकता है 2-3 दिन बारिश हो। तो मुझे लगता है कि इसमें लोग अपना सेहत का ध्यान रखें और अभी भी बारिश हो रही है इस टाइम, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर लोगों को काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए, सेहत का ध्यान रखें, कपड़े डालें और कपड़ों गर्म कपड़े डालें, घर से बाहर मत निकले, कम निकले, जरूरी काम हो निकले। हमने कि क्या कुछ कहना था स्थानीय लोगों का, वहीं पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए अनिल से जानते हैं। अनिल, पहले मौसम की बात करेंगे तो मौसम जिस तरीके से तब्दीली ले रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो देखने को मिल रहा है कि तापमान में किस तरीके से गिरावट आ रही है, हालांकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी कहा था कि 18 और 19 को जो मौसम है वो खराब रहेगा, लेकिन इसके बाद अब आगे के दिनों में किस तरीके से तापमान में जो सामान्य है वो सामान्य तापमान हमें देखने को मिलेगा? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय बूंदाबांदी जो है वो एक बार फिर से जो है वो शुरू हो चुकी है और मौसम में कहीं ना कहीं जो है वो करवट लेना शुरू कर दिया गया है और कहेंगे निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आम जनता के बीच जो है वो बदलाव जो है वो देखने को शुरू हो चुका है। ठंड जो है एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि 18 तारीख का जिक्र किया जाए या फिर उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले 22 से लेकर 25 तारीख तक जो है एक बार फिर जो है मौसम जो है वो रुख बदल सकता है। हालांकि तेज बर्फबारी जो है एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि कल नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है बर्फीला तूफान आता है, बर्फीले तूफान के दौरान जो है कई सारे लोग जो है उसमें बच्चे भी थे, वृद्ध लोग भी थे, हालांकि उसमें महिलाएं भी मौजूद थी, 30 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो इस बर्फीले तूफान में फंसे हैं। और जिस तरह से हमारे इंडियन आर्मी के जो इस समय वहां पर तैनात थे, हमारे सुरक्षाकर्मी वहां पर तैनात थे, तो उन्होंने समय रहते उन लोगों को बचाया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर
कश्मीर के अंदर मौसम जो है वो मौसम विभाग ने पहले ही जानकारी दे दी थी और करवट बदलता हुआ इस समय मौसम जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। ये भी जानना चाहूंगी जिस तरीके से मौसम में तब्दीली आ रही है तो लोगों को खांसी और जुकाम जो है वो एक वायरल के जरिए फैल रहा है, लेकिन वहीं पर कोविड भी जहां पर दूसरी तरफ है, तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो केसेस है उनको किस तरीके से संभाला जा रहा है? क्योंकि अभी जैसे कोविड के गाइडलाइंस के तहत जीएमसी अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज को बंद किया गया है और अभी जो है वो सिर्फ सर्जरीज वगैरह वहां पर हो रही है, तो उस बीच जिन लोगों को सिर्फ खांसी या जुकाम है तो उनके लिए वहां पर किस तरीके के प्रावधान रखे गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर प्रावधान का जिक्र किया जाए तो इस समय आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रही है। हालांकि तो एक तो मौसम की मारी है और ऊपर से कोरोना वायरस का संकट है, ओमिक्रॉन का जिक्र करते हैं तो उसका भी संकट जो है वो पूरे भारत के अंदर छाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनता पूरी तरह से इस दुविधा में पड़ी है कि कहीं ना कहीं जब खांसी होती है या जुकाम होता है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमें कोविड ना हो गया हो, तो डॉक्टर्स द्वारा पहले ही जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया है, जानकारी दे रही है कि आप घबराए ना, आप सिर्फ अपने नजदीक के संपर्क में जो है वो डॉक्टर्स का हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, आप उनसे जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं, वर्चुअल मोड पर जानकारी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब दिक्कतों का जो है वो आम जनता को सामना नहीं करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उनसे ये जो है डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं, ना कि आप हॉस्पिटल जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो आप लोगों को सतर्क होकर जाना पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो सतर्क होकर जाएं, मास्क पहने, दो गज की दूरी बनाए रखें, समय समय में अपने हाथों को स्वच्छ रखें। तो कल का अपना मीडिया बुलेटिन का अगर जिक्र करते हैं जो इस समय आया था, तो कल आपने देखा कि एक बार पिछले 7 से 8 महीने का जिक्र करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करते हैं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगभग आपने देखा कि कल सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी देखने को मिला है, लगभग 900 से अधिक का आंकड़ा, 919 आंकड़े जो है वो संक्रमित पाए गए थे। और कहना कि आप देख रहे हैं कि संक्रमण दर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि टेस्टिंग को बढ़ाया गया है और इसी के साथ साथ संक्रमण दर भी जो है अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आम जनता को जो है वो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कोरोना वायरस का संक्रमण हो, चाहे ओमिक्रॉन का संक्रमण हो, या आने वाला एक और वायरेंट का जो है वो जिक्र किया जा रहा है। हालांकि वो वायरेंट किस तरह से और किस रूप में और किस की शक्ल में आता है वो महत्वपूर्ण रहेगा, मगर अब इस जंग से पूरे भारत को लड़ना है तो इस लड़ने के लिए आम जनता को सतर्क होना होगा, 2 गज की दूरी और मास्क, ये सब चीजें कुछ चीजें जो है वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जो है वो पालन जरूर करना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल। और वहीं पर मौसम की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैदानी इलाकों में जो बारिश है, हल्की बारिश देखने को मिली। हालांकि अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो बर्फबारी का दौर वहां पर शुरू हो गया है और उसी बीच लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, खासकर जो सैलानी बाहर से आए हैं यहां पर उनको भी काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। तो चलिए अब कश्मीर की तरफ रुक करते हैं और कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर में बर्फबारी देखने को मिल रही है, वहीं पर गुलमर्ग की बात करें तो कश्मीर घाटी में फिर से एक बार बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और बर्फ की सफेद चादर से घाटी के पहाड़ लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। और पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं और दूर दराज के कई इलाकों से सड़क मार्ग जो है वो फिर बंद हो गया है। हमें ये देखने को मिलता है कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदलता है, सबसे पहले जो असर पड़ता है वो कनेक्टिविटी पर पड़ता है और रोड कनेक्टिविटी पर इस बार फिर असर देखने को मिला है, जहां पर बर्फबारी की वजह से दूर दराज के जो इलाके हैं वहां पर सड़क मार्ग फिर एक बार बंद हो गया है। हालांकि बीआरओ द्वारा वहां पर जो काम है वो किया जा रहा है और वहीं पर दूर दराज के इलाकों की बात करते हैं तो सड़क मार्ग बंद होने की वजह जहां पर बनी हुई है, वहीं पर पर्यटन की बात करें तो पर्यटक भी भारी संख्या में कश्मीर घाटी की तरफ रुक कर रहे हैं। और गुलमर्ग में खासकर बात करें तो गुलमर्ग में पर्यटक जो है वो इस समय देखने को मिल रहे हैं और उनका तांता लगा हुआ है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब ताजा बर्फबारी होती है तो ताजा बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से कश्मीर की तरफ रुक करते हैं, इससे कश्मीर में टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग कश्मीर में जब सैलानी आते हैं तो जो छोटे मोटे रोजगार चलाने वाले लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा हद तक इससे फायदा मिलता है।
जहां जम्मू में हमें देखने को मिला कि मौसम ने किस तरीके से करवट ली है, बारिश देखने को मिली, वहीं पर दूसरी तरफ तापमान में गिरावट देखने को मिली। और वहीं पर घाटी की बात करें तो घाटी में ताजा बर्फबारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से घाटी के जो पहाड़ है वो बर्फ में लिपट रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए और किस तरीके से हमें ग्राउंड रियलिटी देखने को मिल रही है गुलमर्ग से, तो चलिए आइए देखते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। इशफाक, पहले मेरा सवाल आपसे यह रहेगा कि तापमान में गिरावट की वजह से बर्फबारी जो पड़ी है उसके बाद से ये देखने को मिल रहा है कि कहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो सड़क है वो बंद हो चुकी है, तो उसके बाद वहां पर बीआरओ द्वारा किस तरीके का काम किया जा रहा है उस कनेक्टिविटी को खोलने के लिए? बिल्कुल, जैसे यहाँ पर महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन भी आज एक बार फिर सच साबित हुई और मैदानी इलाकों में अगर हल्की बारिशें वही सैदमकाम गुलमर्ग के चंगमर्ग के बालाई इलाकों में अभी जो है बर्फबारी, अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। लेकिन जो आम नागरिक है उन्हें इस बर्फबारी से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें कि बेशतर इलाकों में अभी जो है जो 2 से 3 इंच बर्फबारी जो रिकॉर्ड की गई है वहां पर जो अभी सड़कों से बर्फ नहीं हटाया गया। लेकिन वही अगर आप दूसरी जानब बात करें यहाँ पर बिजली सुविधा की, लोगों को इन दिनों जो बर्फ जैसे ही बर्फबारी यहाँ पर होती है तो लोगों को बिजली कटौती से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर जो इस वक्त जो है काफी गिरावट इसमें आई है तापमान में, तो यहाँ पर पूरे जो नदी नाले हैं वो जम चुके हैं क्योंकि चिरेकरान भी चल रहा है, उसके चलते यहाँ पर लोगों को पानी के भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानब सयाहत से जुड़े लोग जो है वो इस बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर बर्फबारी हो, मौसम चेंज हो और यहाँ पर उन्हें जो है उनकी रोजी रोटी चल सके, क्योंकि वो भी जो है अच्छी तरीके से अपना रोजगार चला सके। पर्यटकों से जब हमारे यहाँ पर बात हुई तो पर्यटक भी यही कह रहे हैं कि इस बर्फबारी का वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, जो और पहली बार चंद सैया जो यहाँ पर थे उनको उनने जो बर्फबारी जो है पहली बार देखी थी और वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी का काफी जो है लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इशफाक, ये भी जानना चाहूंगी बर्फबारी की वजह से काफी ज्यादा और परेशानियां होती है, चाहे वो बिजली से जुड़ी हो या फिर पानी से जुड़ी हो, तो क्या किस तरीके की किल्लतें वहां पर देखने को मिल रही है स्थानीय लोगों को? देखिए, मैंने अभी कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर जैसे ही बर्फबारी यहाँ पर होती है बालाई इलाकों में काफी, क्योंकि सुविधा की बात करें यहाँ पर लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बर्फबारी जैसे ही होती है तो यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर नहीं अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ सड़कों पर रहता है तो लोगों को काफी उस वजह से मुश्किल है, क्योंकि अगर चंद ऐसे एरिया की हम बात करें, चाहे गुगलडारा एक ऐसा एरिया यहाँ पर है फारफ्रंट एरिया है और उनको जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नंबर छोटी पत्री की बात करें बाबा जो को काफी दिक्कत उनका सामना इस वजह से करा कि इंतजाम पहले वहां पर तरजीह देनी चाहिए थी कि उस एरिया को जो बिल्कुल इशफाक ये जानना चाहते किस तरीके से आप पर्यटकों की बात कर रहे हैं, पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा किस तरीके के इंतजाम पर्यटकों के लिए किए गए हैं? और वहीं पर देखने को मिलता है कि जब बर्फबारी होती है तो विंटर कार्निवल्स का आयोजन किया जाता है, तो इस बार कोरोना के चलते क्या इस तरीके का कोई भी कार्निवल जो है वहां पर आयोजित किया गया है? बिल्कुल, आपने एक अच्छा सवाल किया। जहां का महकमा सयाहत की बात करें, महकमा सयाहत और महकमा हेल्थ ने एक अच्छे इस तरह का एकदम उठाया, जैसे यहाँ पर कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेज जो घाटी में सामने आए हैं उन्होंने अब एक ऐसा प्रोग्राम चलाया कि यहाँ पर जो है सैदमकाम गुलमर्ग के जैसे ही एंट्री करेंगे जो भी बाहर से पर्यटक आए या वो उनके साथ मुंसलिक ड्राइवर्स हैं या जो गाइड लोग हैं उन्हें पहले जो यहाँ पर जो है बाधा तो उनका टेस्ट किया जाएगा, अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आएगा तो उसके बाद ही उन्हें पर्यटक स्थल पर जाने की इजाजत दी जाएगी। वही सैदमकाम गुलमर्ग के साथ साथ आज जो है महकमा सयाहत ने जो है पत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वहां पर एक फेस्टिवल कराने जा रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख से जो ये फेस्टिवल जो है यहां तक यहां पर चलेगा और इसमें मुख्तलिफ जो स्नो बाइक्स हैं, एटीवी राइडर्स हैं, चाहे वो घोड़े वाले हैं या स्लिंग वाले या सिक्की वाले हैं, वो इस फेस्टिवल में जो है यहां पर हिस्सा लेंगे। और बाद तो यहां पर सयाहों के और आम लोगों के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया गया है, अगर सयाह और मकामी लोगों ने उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया तो उन्हें जो है वापस जाना पड़ेगा और उन्हें जो है सैदी मुकाम पर ठहरने की इजाजत नहीं होगी। वो हेल्थ डिपार्टमेंट और महकमा सयाहत ने चंद दिनों पहले जो है फैसला लिया है और साथ साथ में अगर इसी तरह का प्रोटोकॉल सयाहों और मकामी लोगों ने यहाँ पर जो है मकामी लोगों ने यहाँ पर पालन किया प्रोटोकॉल को तो आप उम्मीद ये की जाती है जो अब बर्फबारी हो रही है जो यहाँ पर सैदमकाम गुलमर्ग के साथ साथ बेशतर इलाकों में शायद विंटर गेम्स का आगाज दोबारा से गुलमर्ग में किया जाएगा और खेलो इंडिया की तैयारियां भी गुलमर्ग में नई सिरे से की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार और गुलमर्ग की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ताजा बर्फबारी हो रही है और पर्यटक इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए गुलमर्ग की तरफ रुख कर रहे हैं। हालांकि गुलमर्ग में प्रशासन द्वारा पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं और टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। चलिए अब फिर एक बार बात करते हैं और बात करेंगे कोरोना को लेकर।
लेकर। कोरोना जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वहीं पर कश्मीर हो चाहे फिर जम्मू हो, जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसी के चलते जम्मू कश्मीर में कोरोना के लगातार जो केसेस है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है और महामारी के बढ़ते कदम रोकने के लिए प्रशासन पूरे तरीके से तैयार दिख रहा है और एक पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में महामारी पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और जम्मू कश्मीर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। चाहे हम जम्मू की बात करते हैं या फिर श्रीनगर की बात करें, दो ऐसे जिले हैं जिसमें सबसे ज्यादा केसेस आए दिन हमें दर्ज कराए जा रहे हैं और वहीं पर प्रशासन द्वारा पूरे तरीके से जो मसौदा है वो तैयार कर दिया है, क्योंकि पिछले 8 महीने का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और जो केसेज है वो 4,000 के भी पार पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से केसेज में बढ़ोतरी होती जा रही है, उस बीच रिस्ट्रिक्शन में किस तरीके के बदलाव हुए हैं और क्या कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रशासन ऐसे कदम उठा रहा है तो लोगों को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर रिस्ट्रिक्शंस को लेकर हो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर एक को ध्यान में रखते हुए उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल यहां पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, पहले बात करेंगे श्रीनगर की। श्रीनगर में जिस तरीके से जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस बीच प्रशासन द्वारा किस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस में बदलाव किया गया कि इन केसेस पर रोक जो है वो लगाई जाए? पल्लवी, श्रीनगर शहर हो या बांदीपोरा जिला हो, कुलगाम हो या त्राल, जो आंकड़े आने लगे हैं 5,000 के करीब में से 3,000 से ज्यादा केसेस जो है वो जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस में जोड़कर जो है अब कश्मीर बहुत आगे निकल चुका है। कुछ दिनों में जम्मू उछाल में बहुत ज्यादा आगे था, दोबारा कश्मीर एक बार फिर इन केसेस में आगे आया। यानी जिस वक्त जम्मू कश्मीर में हफ्ते भर का जो वीकेंड लॉकडाउन रखा गया 2 दिन का, उसके बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सख्त गाइडलाइन आई है। मिस आहूजा जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी है, उनका जो हुक्मनामा आया है आहूजा का कि टेस्टिंग बढ़ा दी जाए और बहुत सारे इलाके जिनमें जम्मू कश्मीर का भी नाम लिया गया और उन्होंने बड़ा इस पे संजीदा नोट्स लिया कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। अगर डॉक्टर एसोसिएशन के सरप्रस्त डॉक्टर निसार हसन की माने तो वो कहते हैं कि टेस्ट न होने की वजह से केसेस कम आए हैं, अगर टेस्ट और किए जाएंगे तो शायद केसेस जो है वो 10,000 से ऊपर हो जाएंगे योमिया यानी रोजाना तौर पर। अब सरकार क्या कुछ कर रही है, सरकार ने पहले ही 2 दिन का लॉकडाउन जो है हफ्ते में शुरू कर दिया और उस नाइट कर्फ्यू में भी इजाफा किया। लेकिन पलवी, आपको याद होगा कि टोल पोस्ट के पास जो मुलाजिम इस वक्त हैं, जो मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड काम करते हैं दोनों तरीकों से, और उनकी टेस्टिंग कर दी गई, 900 में से कुछ ही अपराध का टेस्ट जो है पॉजिटिव आया। इसके बाद बड़ा से बड़ा कंसर्न जो हाईवे पे स्वीट्स की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और बड़ी भीड़ लगी होती है। लोग जब जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आते हैं, जो कि 10-8 घंटे का सफर है, तो आपको खाने पीने के लिए रुकना ही रुकना पड़ता है। वहां पर टेस्टिंग बढ़ाने की बड़ी सख्त जरूरत है, खासकर स्वीट शॉप्स के आसपास। उसके बाद वादी गिरामी नामी रेस्टोरेंट्स, जहां पर लंच डिनर ब्रेकफास्ट के लिए मेहमानों को जो फूड सर्व किया जाता है, उसके लिए जो स्टाफ उनका है उनका भी टेस्टिंग बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में करीबन 8 महीने के बाद इतने बड़ी तादाद में केस आने का मतलब है कि आइंदा कुछ दिनों में 2 दिनों के लॉकडाउन को हफ्ते भर के लिए दोबारा इसको शुरू किया जा सकता है। और एक माहिरीन पल भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को फरवरी के महीने में और जनवरी के आखिरी हफ्ते में बिल्कुल बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ये गाइडलाइंस है कि इन दोनों लोगों को, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ओमिक्रोन के तकरीबन 8,000 केसेस आ गए, कश्मीर में 1 दर्जन के करीब है, बीते शाम मुल्क में पूरे 3,00,000 केसेस पॉजिटिव आए जिसमें ओमिक्रोन और कोरोना वायरस के लोग शामिल हैं, और कश्मीर घाटी एक छोटी सी जगह से 3,000 से 4,000 के बीच में केसेस आना और जम्मू में इस तरह के केसेस आना, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में डिप्टी कमिश्नर्स और एलसी की जो लगातार ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल मोड पर मीटिंग होगी, हो सकता है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सके और बाकी इसका कोई दूसरा रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। देखिए तजम्मुल, एक सवाल जो है वो ये है कि अगर हम बाकी जगहों की बात करें या फिर हम पर्यटक स्थलों की बात करते हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस में किस तरीके से बदलाव होना चाहिए? चाहे जितने भी कश्मीर के पर्यटक स्थल है वहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना रहता है, जो क्राउडेड प्लेसेज है, चाहे वो बस स्टैंड की बात करें, अगर हम लोग एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर लोग ज्यादा तादाद में आते हैं, तो वहां पर किस तरीके से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए और बाकी रिस्ट्रिक्शंस से कुछ ज्यादा सख्ती वहां पर होनी चाहिए?
देखिए पलवी हमें पिछले साल का तजुर्बा है और उस तजुर्बे को अपना मिशन राह यानी आगे बढ़ने के लिए एक टॉर्च बेरर के तौर पर हमें काम करना होगा। बीते साल में हमने थोड़ी सी नेग्लिजेंस या गफलतशारी पर और हमने सीरियसपन नहीं दिखाया इस बीमारी को टैकल करने के लिए, जिसकी वजह से हजारों लोग जो है वो हमसे अलग हो गए, जिसके बाद ये साल जो था ये पिछले साल के मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा। आपने रेलवे स्टेशन का जिक्र किया, आपने पर्यटकों का जिक्र किया, गुलमर्ग, पहलगाम और बाकी जगहों का जिक्र किया। इतनी लापरवाही के साथ जो पर्यटक बाहर इस वक्त आ रहे हैं और उसके बाद सैनिटाइजर मास्क का इस्तेमाल न करते हैं, कुछ लोग इसको फैशन के तौर पर अपनाते हैं, जहां पर दिखावा करना हो वहां मास्क लगाते हैं, जहां पर दिखावा करना हो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपका सोशल डिस्टेंस बड़ा लाजमी है। उसके बाद ये दो चीजें आप आगे करें, लेकिन बदकिस्मती है कि जहां पर प्रशासन को मर्जी होती है, जो कि 26 जनवरी है, नाका पार्टियां लगी हुई है, जगह जगह पर तलाशी कार्रवाई चल रही है, लेकिन प्रशासन को एक गाइडलाइन बनानी होगी कि इस तरफ जाने के लिए आपको ये चीज अगर साथ है तो ठीक है। आप पैसेंजर्स का हाल देखिए पलवी, जब आप 9 सीटर 10 सीटर गाड़ी में बैठते हैं 12 लोग सवार होते हैं, 13 लोग सवार होते हैं, बच्चों को गोद में लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, मुझे लगता है जो बड़ा अलार्मिंग होगा। अगर सारा कुछ हम पुलिस तक छोड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक होते हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें खुद निभानी है, और जो पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की वो खुद निभाएं, और जब हमें अपनी जिम्मेदारी उनसे निभाने की उम्मीद करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वक्त बहुत खतरनाक होगा। और दूसरी अहम बात पलवी बता दूं, जो इंडिविजुअल ट्यूशन सेंटर्स हैं, मोहल्ला ट्यूशन सेंटर आपके गली कोचे में, वहां पर 25-30 बच्चे भीड़ में एक जगह मैम के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि ये कोई दूर का कोचिंग सेंटर नहीं है, ये कोई वो कोचिंग सेंटर नहीं है जहां पे आपको नीट वगैरह के लिए तैयार किया जाता है। कम से कम बच्चे LKG UKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं 2 घंटे, खुदा न करे कि वहां पर अगर हालात इस तरह से होंगे तो बच्चों को बहुत मुश्किल होगा संभालना। और हमारी अपील होगी कि वो जो ट्यूशन सेंटर है लोकल लेवल के, मुझे लगता है एक महीने का विश्राम मिलना चाहिए, नहीं तो खुदा ना खास्ता गेंद जो है वो कोर्ट से बाहर चली जाए, फिर मुश्किल होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल, और वहीं पर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के कोरोना के हालात बने हुए हैं उस बीच हमें ये देखने को मिल रहा है कि केसेस में किस तरीके से उछाल आता जा रहा है और पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में टूटता हुआ नजर आया। तो चलिए अब रुख करते हैं सांबा की तरफ। सांबा से भी जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसी के चलते टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी ला दी गई है। आपको बता दें कि सांबा में कोविड मामले बढ़ते ही प्रशासन ने जो टेस्टिंग है उसको भी बढ़ा दिया है और जिले में कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी है, और इसी के तहत 24 घंटों में जो मामले हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उस बीच प्रशासन द्वारा हर तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि सांबा में जहां पर मामले जो हैं वो इतने तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसी चलते जितने भी वहां पर स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा जो तैयारियां वो की गई हैं, हालांकि जिले में 474 एक्टिव पॉजिटिव मामले की संख्या पहुंच चुकी है और पिछले 24 घंटों में 109 संक्रमित वहां पाए गए हैं, जिसके साथ ही अब हर क्राउडेड जगह पर जहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो की जा रही है और रैंडम टेस्टिंग की जा रही है ताकि पता चल सके कि जो कोरोना है वो कितनी तेजी से फैल रहा है। तो चलिए आइए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहां पर जुड़ चुके हैं, तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, क्योंकि क्राउडेड जगहें जितनी भी है वहां पर टेस्टिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से वहां करनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस वहां ज्यादा अच्छे से होनी चाहिए। तो क्या बस स्टैंड हो या फिर अगर हम बाकी जगहों की बात करें, मार्केट्स की बात करें जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उन जगहों की बात करें तो वहां पर किस तरीके की प्रक्रिया हमें देखने को मिल रही है और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रहे हैं? देखिए पल्लवी, आपको बताते चले कि जैसे जैसे कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रशासन ने भी कमर कसना शुरू कर दी है, और तमाम अलग अलग पब्लिक प्लेसेस की बात करें यहां पर रश भीड़ भाड़ काफी ज्यादा रहती है, तो वहां पर प्रशासन ने टेस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले भी प्रशासन का यह दावा रहा है कि हम टेस्टिंग करते रहे हैं, लेकिन यह दावा कहीं ना कहीं पिछले दिनों में खोखला भी साबित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब शायद प्रशासन को लग रहा है कि अगर अभी हमने टेस्टिंग नहीं की तो शायद मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते अब प्रशासन एक बार फिर से हरकत में आया है और तमाम अलग अलग चौक चौराहों की बात
करें जिला के, तो वहां पर ये टेस्टिंग प्रक्रिया जो वो शुरू की गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें वहां पर पहुंची हैं और कहीं ना कहीं यही एक रिस्क कवर किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कोविड को कंटेन किया जाए, क्योंकि जो संख्या सामने आती है डे बाय डे वो काफी डराने वाली है। आपने देखा कि 24 घंटों में 109 नए कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ये आंकड़ा लगातार पिछले एक हफ्ते में बढ़कर 474 एक्टिव केसेस का हो चुका है, जिसके चलते प्रशासन को भी ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में सिचुएशन जो है वो निकल जाए और आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो जाए। इसी के चलते आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके की वहां पर ड्राइव चलाई जा रही है, खासकर बूस्टर डोज की बात करते हैं तो बूस्टर डोज को लेकर और बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की गई थी उसके क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो चाहे वो पहली डोज हो या फिर सेकंड डोज हो, तमाम सभी लोगों ने वो डोज जो वो ले ली है, लेकिन अब जो बूस्टर डोज यहाँ पर शुरू की गई है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें अच्छा जो वो रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर इसमें ये क्राइटेरिया साफ तौर पर रखा हुआ है कि जिनकी सेकंड डोज को 9 महीने हो चुके हैं उसके बाद ही बूस्टर डोज लगनी है, तो वो बूस्टर डोज जिनके ये पूरा टाइम पीरियड पूरा हो चुका है उसके बाद बूस्टर डोज जो वो लगाई जा रही है और लगता है कि ये बूस्टर डोज काफी कारगर सिद्ध हो रही है, कहीं ना कहीं फैटल रेट काफी कम है और जितने भी लोग अभी तक पॉजिटिव आए हैं ये होम आइसोलेशन में है, यानी हॉस्पिटल में आने की अभी तक कोई ज्यादा नौबत नहीं पड़ी है। शायद यही वजह है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद काफी हद तक जो कोविड के ऊपर कंट्रोल भी किया जा सका है, लेकिन जो बढ़ते मामले हैं ये एक चिंता का सबब बन चुके हैं कि एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर देखी जा रही है और उम्मीद यही करेंगे कि फैटल रेट हमें कम से कम देखने को मिले और अगर इस तरह के लक्षण किसी में खांसी जुकाम फीवर के लगते हैं तो डॉक्टर्स भी लगातार उन्हें ये कह रहे हैं कि आप लोग फौरन अपना इलाज करवाएं और टेस्ट जो है वो जरूर कराएं, क्योंकि टेस्ट आप कराते हैं तो आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, आप सिक्योर हो जाएंगे और तमाम अलग अलग लोकैलिटी एरियाज के लोग सिक्योर हो जाएंगे, लेकिन प्रशासन लगातार ये भी हिदायतें दे रहा है कि पब्लिक प्लेस पर जब भी आप जाते हैं तो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके चलते जो आपने देखे तस्वीरें विजयपुर के इलाके से सामने या कई अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है कि यहां पर टेस्टिंग प्रक्रिया को बढ़ाया है और अगर कोई रिफ्यूज कर रहा है टेस्टिंग को लेकर तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही मोटिव है कि कोविड को किसी तरह से कंटेन करना है ताकि आने वाले दिनों में हालात खराब ना हो। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि और वहीं पर अगर हम ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो रैंडम सैंपलिंग है वो की जा रही है और रैंडम टेस्टिंग के बाद अब कोविड का क्या कुछ हाल है उसके बारे में भी हमें देखने को मिला कि तेजी से जम्मू कश्मीर में कोविड फैलता जा रहा है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।